गाजी किरानीपुर के मोहल्ला लाटगंज में एक गोदाम में अचानक लोगों ने धुआं उठता देखा तो वहीं मामले की जानकारी गृह स्वामी को दी। जानकारी के अनुसार मोहल्ला लाटगंज में हिम्मत खान का गोदाम है जिसमें कपड़े का कतरन एवं अन्य कपड़ों का सामान रखा हुआ था। देर शाम घर बैठे हुए पड़ोसियों के द्वारा गोदाम में अचानक तेज धुआं उठता देख तो वहीं मामले की जानकारी गृह स्वामी को दी गई। मौके पर पहुंचे गृह स्वामी ने घर का ताला खोला तो अंदर कपड़े के कतरन में आग लगी हुई थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। आसपास मौजूद लोगों के द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया तो वहीं कई लोगों के द्वारा आग पर बालू भी डाली गई। साथ ही कई लोगों ने घरेलू मोटर से भी आग पर पानी डाला। अमित राजपूत की रिपोर्ट। ऐसे हो गई, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बैठे थे तो हम लोगों ने देखा शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होने के बाद फिर देखा अचानक से आग लग गई। फिर इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे फ़ोन करवाया। फ़ोन करवाने के बाद वो लोग यहाँ पे आए, तुरंत ही उनने ताला वाला खोला और हम लोग अंदर जाके फिर हम लोगों ने पानी यानी आग को काबू करने के लिए और बालू वगैरह ये सब डालना चालू कर दिया। यहाँ क्या था, किसके मकान में आग लगी है? इसमें ये उनका हिम्मत खान था, चाचा है जो उनका, यहाँ पे गोदाम था। यहाँ पे वो गोदाम वगैरह और कपड़े वगैरह का काम होता खरीद। हाँ, नुकसान भी हो गया? हाँ, नुकसान हो गया, समथिंग हो गया होगा, 40-50 हज़ार रुपये का ऐसा मिनिमम मान लो। आग बच गई है? हाँ, अब आग पूरी काबू में है।